नगर का मामला, जहां एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए खर्च कर हर जगह गौशाला बनवाया है, वहीं गौशाला में गाय के खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं बल्कि दूसरे तीसरे दिन एक न एक गाय भूख प्यास के कारण मरती जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि कौन से जानवर मर रहे, जबकि ग्रामवासियों ने बताया कि अभी 3 दिन से 4 जानवर की मौत हो चुकी है। उस गाय को गाँव की कुछ दूर देख आते तथा उस मृत गाय को 100 कुत्ते नोच कर खा लेते हैं, जो कि पंचायत भवन में बने हुए हैं। गौशाला उनमें से एक कर्मचारी है जो मौके पर मौजूद नहीं रहता। ग्रामीणों का कहना है कि मरे हुए जानवरों को दफना दिया जाए। प्रधान और सचिव की मिली भगत के कारण गौशाला की व्यवस्था बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और गौ वंश तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागते रहेंगे। दिन में तो कार सही रूप से नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, इधर आवाज करते हैं तो तरस लगती है। यही है हमारे देश की तरक्की। ये गौशाला से किसी को तो कुछ नुकसान तो हो ही रहा, सबको जनता पब्लिक यही खेती हो रहा है, बस एक गौ हत्या लग रही है हम लोगों के ऊपर। इधर से आते जाते हमको यही दिखाई देता है कि प्यास से मर रहे। ये किसकी देन है? ये नरेंद्र भाई मोदी की देन है। हमें पकौड़े बेचवा रहे हैं और जानवरों को भूखा। पकौड़े में तो तेल तो रिफाइन किसका है? तो विदेशी कंपनी का, विदेशी कंपनी है, तेल भी नहीं डाल सकते उसमें हम। आपको कुछ विकास हुआ 5 साल में? यहाँ तो कुछ विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। आवास मिले सबको? कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, कुछ मिले हैं। आप बताइए किस आधार पर करना है? विकास के मुद्दे पर वोट करना है। पिछले 5 साल आपको जो कुछ हुआ उसमें विकास कुछ नहीं दिखाई देता है, पेपर में और मंच पे वही विकास दिखाई देता है। धरातल पर नहीं, धरातल पर कोई विकास नहीं है। आप बताइए अपना। यही कह रहे हैं, जो कह रहे हम भी कह रहे थे, यहाँ कोई विकास नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखिए विकास क्या हुआ है? टीवी पे होता है, किसानों का फसल बर्बाद हो गया, ये विकास हुआ। कॉलोनी नाम भ्रष्टाचार हुआ, ये विकास हुआ है। राशन पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये विकास हुआ है। मोदी जी के विकास ऐसे विकास हुए हैं, दंगा फसाद ही विकास हुआ है और धरती पे कोई विकास नहीं। इतने झूठा प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ है। और हमें विकास के लिए, नौजवान बेरोजगार है, उसको काम नहीं है, किसान अपने फसल के लिए कौड़ियों को भाव दे रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, वहाँ रिश्वत लगे वगैरह FIR नहीं हो रहा है। हर जगह तो भ्रष्टाचार हमें हो रहे हैं। नौजवान तड़प रहा है अपने रोजगार के लिए, डंडे खा रहा है, पेपर कहीं होता है वहाँ चलता पेपर दे के कैंसिल, इस तरीके का नौजवान भटक रहे हैं, तो क्या विकास हुआ इसको? हम विकास नहीं मानते, कोई भी विकास नहीं हुआ। अभी यहाँ ने गौशाला बना हुआ है, 3 सांड मरे हुए हैं, 3 बछड़े मरे हुए हैं, उनको पानी देने वाला नहीं है, केवल पुआल देते हैं, पुआल देते हैं, वो भी नहीं देते हैं। आप चलिए हमारे साथ चलिए, दिखाते क्या हालत है उनकी बछड़ों की। परमानंद की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर 2019 में मतदान करने के बाद जनता की राय। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ तो 5 साल में कोई काम नहीं किया गया, किसी गरीब को आवाज नहीं मिला और न ही शौचालय का निर्माण हुआ। और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान लोगों से शौचालयों के नाम पर 2,500-3,000 रुपए मांग रहे हैं। ग्राम पंचायत जगदीशपुर, बज्जू, पहाड़पुर और नरवारी के लोगों ने बताया। नमस्कार, मैं परमानंद सुल्तानपुर, मैं प्राथमिक विद्यालय बज्जू पहाड़पुर विकास अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर पहुँच चुका हूँ। यहाँ मतदाता से बात करने क्या होता है? आप तक किस मुद्दे वोट कर रहे हैं? किसी को वोट बता कर करेंगे? नहीं, विकास के मुद्दे पे तो बता। विकास के मुद्दे कैसे कैसे कौन कहेगा कि हम वोट दे रहे हैं? नाम नहीं पूछे, किस नाम पे हो रहा है आपसे बताइए। सही रूप से वोटिंग हो रही नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं? कितने बजे वोटिंग चलूगा यहाँ से? आप बताइए। संदीप वर्मा। किस बार वोट करते हैं? विकास के मुद्दे पे। यहाँ सही तरीके से वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? सही हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? मशीन में कोई प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शांति के साथ हो रहा है। हम तो अभी आ रहे हैं, देख रहे हैं शांति के साथ हो रहा है। सर आप सर सुचारू रूप से चल रहा है आपका। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई धांधली नहीं चल रही है, कोई कोई एक दूसरे की जगह तो वोट नहीं कर रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, जैसे ब्रांचों में जाके एक दूसरे को वोट करके जा रहे हैं लोग। नहीं यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है, यहाँ बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर एकदम शांति है यहाँ। इसे रख लो, हम खींचाल पूरा लगा दे ना। और मौसी कहां है? और क्यों, मैं परमानंद सुल्तानपुर इसमें पज्जू पहाड़पुर विकास का नखना पहुंच चुका हूं। यहां जनता से बात करता हूं, किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? विकास का कुछ कार्य हुआ कि नहीं हुआ यहां पे पाँच साल में? आज आप किस मुद्दे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। आपको कुछ विकास हुआ पाँच साल में? यहां तो कुछ विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। आवास मिले सबको? कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, कुछ मिले हैं। आप बताइए किस आधार पर वोट करना है? विकास के मुद्दे पर वोट करना है। पिछले पाँच साल आपको जो कुछ हुआ उसमें विकास, विकास कुछ नहीं दिखाई देता है, पेपर में और मंच पे वही दिखाई दे रहा है, वही विकास दिखाई देता है। धरातल पर नहीं, धरातल पर कोई विकास नहीं है। आप बताइए अपना। यही कह रहे हैं, जो कह रहे हो हम भी कह रहे थे, यहाँ कोई विकास नहीं कर रहे हो, यहाँ आता कुछ नहीं हुआ सरकारी। यहाँ देखिए विकास क्या हुआ है, टीवी पे होता है, किसानों का फसल बर्बाद हो गया ये विकास हुआ, कॉलोनी नाम पर भ्रष्टाचार हुआ ये विकास हुआ है, राशन पे भ्रष्टाचार हो रहा है ये विकास हुआ है। मोदी जी के विकास ऐसे विकास हुए हैं, दंगा फसाद ही विकास हुआ है, और धरती पे कोई विकास नहीं। इतने झूठा प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ है। और हमें विकास के लिए, नौजवान बेरोजगार है उसको काम नहीं है, किसान अपने फसल के लिए कौड़ियों को भाव दे रहा है उसका कोई सुनवाई नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं थाने में जा रहे हैं वहाँ रिश्वत लगे वगैरह FIR नहीं हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हमें हो रहे हैं, नौजवान तड़प रहा है अपने रोजगार के लिए, डंडे खा रहा है, पेपर कहीं होता है वहाँ चलता पेपर देकर कैंसिल, इस तरीके का नौजवान भटक रहे हैं, तो क्या विकास हुआ इसको? हम विकास नहीं मानते, कोई भी विकास नहीं हुआ। अभी यहाँ ने गौशाला बना हुआ है, तीन सांड मरे हुए हैं, तीन बछड़े मरे हुए हैं, उनको पानी देने वाला नहीं है, केवल पुआल देते हैं, देते हैं वो भी नहीं देते हैं। आप चलिए हम ऐसा चलिए दिखाते क्या हालत है उनकी बछड़ों की। पिछले जमाने में बड़े करावा था, मारा था नहीं बेचारे खा गए। आप बताए विकास के मुद्दे पे यहाँ कुछ हुए कि नहीं? कार कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ जो आवास मिलना था मिला सबको? नहीं सबको तो नहीं मिला, युवाओं नहीं मिला तो दूसरों क्या बताएं? युवाओं को रोजगार मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। जो खाद का दाम बढ़ा उसके लिए आपसे कुछ हुआ कि कुछ फायदा हुआ नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ हम लोगों को। और किसानी में कुछ? किसानी में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, खा रहे हैं। ये सांड किसकी देन है? मोदी की है। ये बताइए आप सब जो इसमें 100 नंबर 100 नंबर तो अखिलेश जी ने दिए थे, उससे सबको फायदा हुआ था, एम्बुलेंस तो किसने दिया था? अखिलेश जी ने, अखिलेश जी ने दिया था। तो इसमें आप किसको वोट करना चाहते हैं, गठबंधन को कि या भाजपा को? गठबंधन के वोट देंगे। चलो TV1 इंडिया न्यूज के लिए परमानंद की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।